लाल चले ना, देर हो रही है, फिजर की दुआएं खैर है, हाफ एन आवर में पहुंचना है। अच्छा अभी चलते हैं यार, कॉफी तो पी लूं। ये कौन सा टाइम है कॉफी पीने का, हाफ एन आवर में हमें उधर पहुंचना है। आपने अपने कपड़े प्रेस कर लिए? ये प्रेस नहीं हो सकता। प्रेस नहीं होता? नहीं, काम वाले कपड़े प्रेस नहीं हो सकते, स्पेशली क्योंकि फिर जलने का खतरा होता है। काम वाले कपड़े मतलब अनप्रेस्ड आप लोग पहनते हो? नहीं, एक दफा जो स्टार्टिंग में नहीं लेते फिर उसके बाद उनको हैंग कर देते हैं। तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ ना, कमीज को उल्टा करो और फिर प्रेस करो कुछ तो फ्रंट पे। कमीज को उल्टा करने के बाद भी अगर आप दुपट्टा भी ऊपर रखते हैं गीला और उससे भी करते हैं, लेकिन उससे भी इतना अच्छा वो नहीं इफेक्ट आता, क्योंकि स्टोन्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ दब जाते हैं और वो प्रिंट आ जाता है उसका। मतलब ये तुम अनप्रेस्ड ही पहनोगी? हाँ, या तो ड्राई क्लीनर को देना पड़ता है और या फिर आप। अच्छा 5 मिनट बैठ जाओ। अच्छा फिर मैं भी अपने लिए ब्लैक कॉफी बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, तुम भी कॉफी पी के चलो। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ये हाँ जला है। क्या दर्द हो रहा है? ऑब्वियसली जला हुआ, जले हुए को दर्द नहीं होगा और क्या होगा। कैसे जला? इस्त्री से। और तुमने मुझे बताया भी नहीं? आप बिजी इतने थे तो मैं कैसे बताती। ये तो ठीक ठाक जला हुआ है यार। हाँ तो इस्त्री से जला है ना। दर्द हो रहा है? तो दर्द होगा ना, और क्या होगा, आप हाथ लगाएंगे तो दर्द ही होगा। यार इस इस्त्री के साथ बहुत मसले नहीं है, तुम्हारी उंगली भी जल जाती है, फैंसी सूट्स भी इंसान प्रेस नहीं कर सकता। और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, तुम बोलती हो कि क्यों हमेशा सिर्फ तुम्हें ही बोलता हूं कपड़े प्रेस करने के लिए, बिकॉज मुझे कपड़े प्रेस करने आते ही नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। नई पैंट हो ना, उसको भी मैं प्रेस करता हूं तो उसकी पॉकेट्स के निशान बन जाते हैं बाहर की तरफ, ऐसे शाइनी से बुरे लगते हैं। और शर्ट प्रेस करनी हो तो मसला ही बन जाता है, कभी बैक साइड को सीधा करो, फिर उसको उलट के फ्रंट साइड को ऐसे खोल के प्रेस करो, फिर ऐसे खोल के प्रेस करो, जब बाजू को खोलो फिर जब दूसरा बाजू प्रेस करने के लिए उसको आप नीचे लटकाते हो उसकी प्रेस खराब हो जाती है। ओवरऑल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और रिस्क भी बहुत है। अभी तो आपको ये नहीं पता कि जोहा के साथ उस दिन क्या होने लगा था। क्या होने लगा था? मैं इस्त्री कर रही थी तो मैंने अभी इस्त्री साइड पे खड़ी करके मुझे चूल्हा बंद करना था, मैं गई हूँ चूल्हा बंद किया तो पीछे से जोहा एकदम से उसके पास खड़ी हुई थी। मैं गलती से उसको हल्का सा भी टच कर देती तो कितना डेंजरस काम है। वो तो बच्ची सेंसिबल है जो ज्यादा गर्म चीजों के पास नहीं जाती है, उसको पता होता है कि, लेकिन फिर भी एक्सीडेंटली भी बच्ची टच कर सकती है गुजरते हुए, उसको तो नहीं पता था ना कि अभी भी गर्म है। यार ध्यान रखा करो जब प्रेस कर रही होती हो, जोहा पास ही फिर रही थी। वो पास नहीं, वो ड्रॉइंग रूम में थी। हाँ। और मैं रूम से निकल के मैंने ऑफ किया इस्त्री और लेकिन गर्म थी वो। हाँ। और मैं रूम से निकल के किचन में गई हूँ ताकि मैं चूल्हा ऑफ कर दूँ, बस विद इन 5 सेकंड्स मैंने देखा तो वो उसके पास टेबल के पास खड़ी। एक तो जोहा भी बहुत ही ज्यादा शरारती हो गई है यार, ये इस्त्री का मसला किसी तरह हल नहीं हो सकता। कपड़े प्रेस करना मुश्किल, प्रेस करके भी अच्छे प्रेस नहीं होते, इतना ज्यादा टाइम लगता है, तुम्हारी उंगली भी जल गई, फैंसी सूट भी प्रेस नहीं हो सकते, जोहा को भी लग सकती है, तो क्या करें? कोई तरीका तुम्हें पता है? एक तरीका पता है क्या? ब्रांडेड शॉप्स पे आप लोग जाओ ना तो उधर उनके पास होते हैं गारमेंट स्टीमर। गारमेंट स्टीमर होते हैं जिससे जो काम वाले कपड़े होते हैं वो उससे ही से गारमेंट स्टीमर से प्रेस करते हैं। अच्छा अच्छा, वो जो स्टैंड पे लगाकर सूट को टांगते हैं और उसके ऊपर खड़े खड़े ही प्रेस कर देते हैं। मैंने अपना वेडिंग सूट भी इसी तरह से प्रेस करवाया था। अब ड्राई क्लीनर्स के पास भी मोस्टली यही होते हैं। अब वो पुराने जमाने गए जब रेगुलर आयरन के साथ बंदा एक आधा आधा घंटा 15-15 मिनट उसके साथ करता है, उसके अंदर पानी डालते हैं स्टीम के साथ, वो इतने जबरदस्त काम वाले कपड़े क्या नॉर्मल कपड़े क्या फॉर्मल कैजुअल हर तरह के कपड़े वो प्रेस कर देते। लेकिन अभी तक घरों में ज्यादा ट्रेंड नहीं है उसका, मैंने कहीं पे किसी के भी घर में नहीं देखी। लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना अभी तक इतनी, प्लस थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती होगी शायद रेगुलर आयरन से। हाँ थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो है, लेकिन अगर आपको इतने सारे फायदे मिलते हैं देन इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग इन इट। तो क्या ख्याल है? क्या मतलब क्या ख्याल है? ले जी। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब मुझे अपने लिए एक बेहतरीन गारमेंट स्टीमर चाहिए क्योंकि मेरी वाइफ काफ़ी इसरार कर रही हैं, बताइए कि कौन सा आप सजेस्ट कर रहे हैं? गारमेंट स्टीमर में आ रही हैं मुफ्त कोमी आ रही है, वेस्ट पॉइंट हो गया आपका, एनएक्स का हो गया और ब्लैक एंड डैगर है, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट है वो है फिलिप्स का। अच्छा, फिलिप्स में एक्चुअली 2-3 मॉडल आ रहे हैं जो अभी जस्ट नो मेरे पास पड़ा हुआ है, एक ही मॉडल पड़ा हुआ है, एक ही मॉडल है। इसके अंदर एडवांटेज ये है कि एक इसका मॉडल है आपका सिंगल लीड के साथ जी, और एक है डबल लीड के साथ। ये दो स्टैंड्स आपको नजर आ रही हैं, ये थोड़ा सा इजी यूजिंग है। अच्छा, ये थोड़ा सा हैंगर के अंदर आप डाल के, मतलब मॉडल्स हैं दोनों, बेहतर है आपकी चॉइस पे है।
बट ये है कि ये फिलिप्स मैं ज़्यादा एडवाइस करूँगा। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये कि ये होम सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब अल्लाह ना करे को प्रॉब्लम निकल आती तो बंदा घर में आएगा, इवन दूसरी कंपनी में आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ता है। अच्छा, बट ये दोनों मॉडल बेस्ट हैं और इसमें जो मिनिमम प्राइसेस है वो आपको पड़ेगा 16,000 का, जो कम से कम प्राइस है। और इसमें ये जो डबल स्टैंड वाला मॉडल है ये तकरीबन 21,000 का। अच्छा, जो नॉर्मल इसमें आ रहे हैं वो तकरीबन 12,000-13,000 का भी आते हैं, जो अननोन में आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, और जो अनब्रांड में आ जाते हैं। लेकिन फिलिप्स एक हॉलैंड की कंपनी है, एडवाइजरी। ये इंटरनेशनल है? इंटरनेशनल, ये मतलब पाकिस्तान में असेंबल या बनी है या आई ही बाहर से? पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आप इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। okay. और ये बाहर भी आपके चल रहे हैं, इवन आप यूरोपियन में चले जाते हैं, एशिया में चले जाते हैं, तो ये आपको अगर आप इसका वारंटी कार्ड देखते हैं तो इसके ऊपर प्रॉपरली हर जगह का सिंगापुर एवरीथिंग ताइवान वहाँ पे भी आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है। वारंटी क्लेम हो जाएगी। ये पाकिस्तान में बना या बाहर से बन के आया? ये PRC में, मतलब चाइना में मैक्सिमम जो अच्छा। हमारी प्रोडक्शन हो रही चाइना में ही हो रही है। अच्छा अच्छा, कंपनी ये हॉलैंड की, फिलिप्स जो बेसिकली कंपनी वो हॉलैंड है। ओके ओके, सो इसमें जो प्राइस डिफरेंस है वो स्टैंड की बनावट की वजह से है? डेफिनेटली, बेसिकली मैक्सिमम जो कंपनियां बनाती हैं वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए मॉडल्स बनाती हैं ताकि हर क्लाइंट के हिसाब से थोड़ी कन्वीनियंट हो। ओके, तो बाकी जो मोटर की क्वालिटी है या मोटर की पावर है, हॉर्स पावर है, वो दोनों में सेम है? वो दोनों का सिमिलर होता है, बट सिर्फ स्टैंड का थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकल में देखें तो आप होल्ड कीजिएगा, ये देखिए आप इसकी प्रॉपर जी सेम फीचर्स है उसके। जी जी ठीक है जी, 2 ईयर वारंटी से, ये देखिएगा आप इसमें। ओके, ये देखें 35 है आपका जी GM, और यहाँ पे भी आप देखें जी वो सेम है। ओके, सिर्फ वो स्टैंड की जो है वो थोड़ी कन्वीनियंट है कि आप उसको शर्ट को प्रॉपर लगा सकती है। ओके, इसमें मतलब कि पूरी वो हो जाएगी, इसमें मेरे ख्याल में इससे भी काम तो चल जाता काम है। काम तो डेफिनेटली दोनों में चल जाएगा। अच्छा अच्छा, और बाकी एक मैंने देखे डॉलेंस का आ रहा है, वो हैंडी वाला वो अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन जो मतलब क्वालिटी जिसके अंदर है वो उसमें नहीं, बहुत मिनी सा है वो आपका पानी का उसका कंटेनर। इसमें प्रॉपरली एक पूरा ये देखिए आप इसका तकरीबन एक कैपेसिटी है। ओके, ये है कि वो हैंडी बना दिया, वो बेसिकली आप ट्रैवल वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, हम बिजली की कंजम्पशन की अगर बात करें, हाँ जी, एनर्जी एफिशिएंट है, इजी टच है इसका। अच्छा, इजी कन्वीनियंट है। अच्छा, और बिजली भी बिल्कुल, ये 40% आपके जो है सेविंग है उसमें। अच्छा अच्छा, बिजली भी नॉर्मल है सर। अच्छा, 40% लार्जर स्टीम प्लेट है। ओके, और मतलब स्पेसिफिकेशंस दोनों की सेम है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। ओके दोस्तों, मुझे अपने लिए ये फिलिप्स का पसंद आ रहा है, फिलिप्स का नाम भी ज़्यादा है और आफ्ताब साहब भी इसी को सजेस्ट कर रहे हैं, वरना अदरवाइज और भी कंपनीज़ हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इसकी मोटर अच्छी और बड़ी है, यही वजह। 1800 वॉट्स। ओके ओके, चले ये वाली पैक कर दें जी। वैसे थैंक यू। ओके सर, थैंक। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।